ब्रेन विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको अद्भुत पहेलियों को सुझाने में मजा आता है तो आप सही जगह पर आए हैं। हरीश कुछ चॉकलेट खरीदना चाहता था। उसके पास कैश नहीं था, इसलिए वो पास के एक एटीएम से पैसे निकालने चला गया। एटीएम आपके द्वारा दर्ज की गई राशि के बदले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के बेतरतीब ढंग से निकालता है। सबसे पहले आपको अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करना होगा और गुप्त पिन का उपयोग करना होगा, और फिर आप वह राशि टाइप कर सकते हैं जिसे आप निकालना चाहते हैं। निम्न तालिका विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की ऊपरी सीमा प्रदान करती है जिसे मशीन एक ही लेनदेन में भेजती है। उदाहरण के लिए, यदि हरीश ने एटीएम में 20 रुपये की राशि टाइप की तो उस स्थिति में उसे 1 रुपये के 20 सिक्के मिल सकते हैं या उसे 10 रुपये के 2 सिक्के मिल सकते हैं। मान ले कि ग्राहक पर्याप्त रूप से सोच समझकर राशि टाइप कर सकते हैं जिसे ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार सिक्कों के साथ भेजा जा सकता है। यदि हरीश 10 रुपये का कम से कम एक सिक्का प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितनी न्यूनतम राशि टाइप करनी चाहिए? आप सोचने के लिए वीडियो को यहाँ रोक सकते हैं। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसका सही उत्तर 230 रुपये है, लेकिन मुझे आपको सुधारने का मौका दें। आइए जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। यदि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है तो आप जो राशि प्राप्त कर सकते हैं वह नीचे दिखाया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी राशि जो 220 रुपये के बराबर या उससे कम है, केवल 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का उपयोग करके भेजी जा सकती है। अब देखते हैं कि हरीश अगर एटीएम में 221 रुपये की राशि टाइप कर दे तो क्या होगा। एटीएम 10 रुपये के कम से कम एक सिक्के का उपयोग किए बिना 221 रुपये नहीं भेज सकता, इसलिए एटीएम को 221 रुपये भेजने का एक वैकल्पिक तरीका खोजने की जरूरत है। 221 रुपये भेजने का वैकल्पिक तरीका नीचे दिया गया है। जैसा कि हम उपरोक्त गणना से देख सकते हैं, एटीएम को 221 रुपये भेजने के लिए कम से कम 10 रुपये के एक सिक्के का उपयोग करना चाहिए, इसलिए सही उत्तर 221 रुपये है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक रोचक पहेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।